सकता है कि मेरे हाथों शिव का अपमान होने से बचाने के लिए सती ने ऐसा किया? नहीं स्वामी, मनु की पुत्री प्रसूति की संतान श्रेष्ठ संस्कारों के साथ जन्म लेती है, और सती वो तो हमारी सर्वश्रेष्ठ संतान है। किसी और का मान सम्मान उसके पिता के मान सम्मान से अधिक हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये असंभव है स्वामी, असंभव। प्रेम में मनुष्य अंधा हो जाता है प्रसूति। प्रसूति की पुत्री को यदि किसी से प्रेम हो भी जाए तो भी वो कभी विवेकहीन नहीं हो सकती स्वामी। और सती, उसे तो किसी से प्रेम भी नहीं है। तुम्हें अब भी लगता है कि उसे शिव से कोई लगाव नहीं है, कोई प्रेम नहीं है? नहीं है स्वामी। तो फिर क्या है? यदि कुछ है तो केवल आकर्षण है स्वामी। हो सकता है शिव ने अपने विचित्र व्यक्तित्व या शक्ति प्रदर्शन द्वारा सती के हृदय में आकर्षण पैदा कर दिया हो। स्वामी, सती जिस आयु में है उसमें आकर्षण होना तो स्वाभाविक है, सामान्य सी बात है। परंतु जो भी हो रहा है वो मुझे सामान्य नहीं लग रहा। अपनी पुत्री पर विश्वास कीजिए स्वामी, वो किसी भी अवांछित मनुष्य या देव के साथ प्रेम नहीं कर सकती। वो अपने पिता की मर्यादा के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करेगी, कभी नहीं। यही बातें यदि मैं सती के मुख से सुनता तो चित्त को शांति मिल जाती। अवश्य सुनेंगे स्वामी, मैं उसे लेकर आऊंगी आपके पास। और याद रखिएगा स्वामी, वो आपसे क्षमा भी मांगेगी और सदा सदा के लिए उस शिव को अपने हृदय से भी निकाल फेंकेगी। जानती हो सती, दुख क्यों होता है? यही प्रश्न एक बार मैंने अपने पिताश्री मनु से भी पूछा था, किंतु उन्होंने कहा, प्रसूति, इस सवाल के उत्तर के लिए तुम बहुत छोटी हो। किंतु मैं भी कहां मानने वाली थी, मैं भी तो तुम्हारी तरह थी, जिद्दी। पिताश्री को मेरे प्रश्न का उत्तर देना ही पड़ा। पिताश्री ने यूं ही प्यार से मुझसे कहा था, दुख का एक ही कारण है, असत्य। जहां सत्य होता है वहां कभी दुख नहीं होता। पिताश्री ने कहा, सत्य ही बोलना, सत्य ही देखना, सत्य ही सुनना और केवल सत्य का ही पालन करना। जो सत्य का पालन करते हैं उन्हें कभी कोई दुविधा नहीं होती। पिताश्री ने यह भी कहा था, सत्य को ढूंढने वाला ब्राह्मण है। ब्राह्मण का तो इस संसार में जन्म ही हुआ था दुखों के निवारण के लिए, और जो ब्राह्मण होकर सत्य का पालन नहीं करता उसके दुख तो स्वयं ब्रह्मा भी दूर नहीं कर सकते। अरे बातों बातों में मैं तो तुम्हारे केश संवारना ही भूल गई। आओ मैं जानती हूं तुम किस दुविधा में हो, किंतु सती ये दुविधा तुम्हारी नहीं है, ये तुम्हारी आयु की है। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा मानो तुम्हारे मन के अंदर
हजारों ऐसे सवाल हैं जिसका कोई उत्तर नहीं। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा मानो तुम्हारी समस्याओं का कोई समाधान ही नहीं। सत्य कहा ना मैंने? अच्छा एक बात बताओ, तुम क्या प्रजापति को अपना शत्रु मानती हो? नहीं मां, मैं ऐसी बात स्वप्न में भी नहीं सोच सकती। मैं जानती हूं तुम में मनु की पुत्री प्रसूति के संस्कार है। तुम तो अपने पिता की प्रसन्नता के लिए सहर्ष अपने प्राण भी त्याग सकती हो। मैं ये भी जानती हूं तुम्हारे पिताश्री को जो पीड़ा हुई है, उनके मान सम्मान को जो ठेस पहुंची है, उससे तुम्हें भी पीड़ा हो रही है और तुम स्वयं को इसका कारण भी मानती हो। सत्य कहा ना? पर मां, जो कुछ भी हुआ वो मैंने अपनी इच्छा से नहीं किया। मैं जानती हूं सती, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, दोष तुम्हारी अवस्था का है। तुम जिस आयु में हो उसमें व्यर्थ ही आकर्षण हो जाता है। मन सत्य और असत्य के बीच भेदभाव नहीं कर पाता, व्यर्थ ही भ्रम हो जाता है। सती, केवल भ्रम है ये तुम्हारा, और ये भ्रम तुम्हारे लिए दुखदायी बन जाएगा। किंतु सती, तुम तो प्रसूति की पुत्री हो, तुम्हारे लिए ये भ्रम तोड़ना कठिन नहीं है। बस एक बार समझ लेना होगा कि ये भ्रम है और यही सारे दुखों का कारण भी। सती, जो भ्रम तुम्हें दुखी कर रहा है, जो भ्रम तुम्हारे अपनों को दुखी कर रहा है, जिस भ्रम से एक पिता अपने सबसे प्रिय संतान से दूर हो रहा है, उस भ्रम को तोड़ दो सती, तोड़ दो। सती, जाकर कह दो प्रजापति से कि तुम उनके दुख से बहुत दुखी हो। जाकर क्षमा मांग लो उनसे, देख लेना वो तो क्षण भर में सब कुछ भुला देंगे। क्षमा मांगोगी ना? जाकर अपने पिताश्री से सब सत्य कह दो कि जो भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, ये तो केवल भ्रम था, शिव की ओर से, तुम्हारी ओर से भी नहीं। याद रखना सती, सत्य ही तुम्हारी सारी दुविधाओं का समाधान है। चलो सती, अब जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं चाहती हूं कि तुम्हारे पिताश्री अपने वही पहले वाली सती देखें, वो प्यारी सी हसमुख गुड़िया। ना ही तुम्हारे पिता दक्ष ने मुझे अपनाया और ना ही मैंने तुम्हारे प्रेम को। बहुत दुख दे चुकी हो ने तुम, अब और नहीं। तुमने सती को शिव के प्रति उकसाने का अपराध किया है। भूल जाओ मुझे, केवल भ्रम है ये तुम्हारा।